हमीरपुर के टाउन हॉल परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। रोजगार मेले का शुभारंभ विधायक नरेंद्र ठाकुर ने किया। रोजगार मेले में 30 निजी कंपनियों के द्वारा 2800 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिए गए हैं। वहीं रोजगार मेले के लिए सुबह से ही दूर दूर से युवाओं का आना शुरू हो गया था और युवाओं ने रोजगार मेले में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमीरपुर के टाउन हॉल परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। रोजगार मेले का शुभारंभ विधायक नरेंद्र ठाकुर ने किया। रोजगार मेले में 30 निजी कंपनियों के द्वारा 2800 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार किए गए। वहीं रोजगार मेले के लिए सुबह से ही दूर दूर से युवाओं का आना शुरू हो गया था और युवाओं ने रोजगार मेले में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि रोजगार देने के लिए काम किया जाए और इसी के तहत हमीरपुर जिला में भी निजी कंपनियों को बुलाकर रोजगार मेले का आयोजन किया है, ताकि युवाओं को घर द्वार पर नौकरी मिल सके। हमीरपुर के टाउन हॉल में श्रम रोजगार मंत्रालय की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 25 से 30 कंपनीज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से हमारे जो नौजवान बेरोजगार युवक हैं, जिनके पास अब डिफरेंट डिप्लोमे व डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन उनके पास अभी तक अपना रोजगार का कोई साधन नहीं है, उनको रोजगार देने के लिए यहाँ ये मेला लगाया गया है। सभी कंपनीज के यहाँ जो जितने भी डेलीगेट्स आए हैं, उनसे मिला हूँ और मैंने प्रयास किया है कि जो भी हमारे बच्चे कॉम्पिटेंट हैं, आप मैक्सिमम यहाँ से बच्चे अपनी कंपनी में ले जाए। वैसे हमारी ये पूरी कोशिश है और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार रोजगार देने के लिए प्रयासरत है। डिफरेंट टाइप की योजनाएं केंद्र सरकार माननीय मोदी जी की ओर से आई हैं, चाहे वो स्किल इंडिया है, स्टैंड अप योजना है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मुद्रा योजना चलाई हुई है, फ्री में लोन देने के लिए। और आप भी देख रहे हैं कि 1.5 साल से हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी चाहे टूरिज्म के जरिए से बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना जाने करोड़ों रुपये के MOU अभी रिसेंटली साइन किए हैं और बहुत सारी कंपनी जो बाहर की हैं वो हिमाचल प्रदेश में अपना निवेश करने के लिए तैयार बैठी हैं, आने के लिए तैयार है। आने वाले समय में जो मोदी सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो एक किस्म कहो कि युद्ध स्तर पे बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए नौजवानों को अच्छा रोजगार मिले, इसके लिए जो बीड़ा खाया है, मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले समय में हम मैक्सिमम नौजवानों को रोजगार देने में सक्षम हो जाएंगे। वक्त तो चले, एक छोटे से ब्रेक आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।